वेलकम टू कैरी स्पार। आज की वीडियो में हम विलियम शेक्सपियर की बायोग्राफी को डिस्कस करेंगे। विलियम शेक्सपियर एक अमेजिंग पोइट और ड्रामाटिस्ट रहे हैं। विलियम शेक्सपियर की बायोग्राफी, इनकी ड्रामा, इनकी सोनेट से मोस्टली क्वेश्चन पुटअप होते हैं TGT, PGT और KVS में। इसलिए आज की वीडियो में हम इनकी बायोग्राफी को डिटेल में डिस्कस करेंगे। विलियम शेक्सपियर का जन्म 23 अप्रैल 1564 को स्टेटफोर्ड एवॉन में हुआ था। स्टेटफोर्ड एवॉन एक रिवर का नाम है जो कि वारविकशायर इंग्लैंड में स्थित है, और यह बैप्टिस्ट 26 अप्रैल 1564 को किया गया था एट होली ट्रिनिटी चर्च स्टेटफोर्ड में। शेक्सपियर की डेथ और इनका जन्म एक कोइंसिडेंट है, क्योंकि इनका जन्म का मंथ और इनकी डेथ का मंथ और डेट सेम है। इनकी डेथ 23 अप्रैल 1616 को स्टेटफोर्ड में ही हुई थी। शेक्सपियर की कब्र के ऊपर कुछ फेमस लाइन्स लिखी हैं। गुड फ्रेंड्स फॉर जीसस सेक फॉर बियर टू डिग द डस्ट इन क्लोज्ड बी हेयर ब्लेस्ड बी द दे मैन दैट स्पेयर्स दीज स्टोन्स एंड क्रस्ट बी ही दैट मूव्स माई बोन्स। जिसका मतलब है कि कोई भी यदि उनकी हड्डियों को, शेक्सपियर की कब्र को हाथ लगाएगा, हड्डियों को उनको छुएगा तो उसको श्राप लगेगा। शेक्सपियर के जो फादर हैं काफ़ी फेमस थे, ग्लव मेकर थे। मदर का नाम मैरी एडन था, जो एक इन्फ्लुएंट लैंड ओनिंग फार्मर की बेटी थी। शेक्सपियर जब 7 ईयर के थे तब इनको स्कूल भेजा गया था, और इनके स्कूल का नाम किंग्स न्यू स्कूल था जो स्टेटफोर्ड एवन में था। यह एक चैरिटी से चलने वाला स्कूल था, बड़ा स्कूल नहीं था। शेक्सपियर के बारे में कहा जाता है कि स्मॉल लैटिन एंड लेस ग्रीक, उन्होंने थोड़ी सी लैटिन और थोड़ी सी ग्रीक सीखी है, बट इनकी जो नॉलेज थी वह बहुत अधिक थी। शेक्सपियर की वाइफ का नाम एन हैथवे था, और शेक्सपियर की वाइफ इनसे 8 साल बड़ी थी। शादी के केवल 6 मंथ बाद इनकी बेटी सुसेना का जन्म हुआ था। उसके बाद इनके 2 जुड़वा बच्चे थे, हेमंत एंड जुटेत। जो हेमंत एक बॉय था और जुटेत एक गर्ल थी। 11 वर्ष की एज में हेमंत की डेथ हो गई थी, जिसका कोई भी रीजनेबल कॉज किसी को नहीं पता है कि किस कारण से ऐसा हुआ था। अब बात कर लेते हैं शेक्सपियर के ऑक्यूपेशन के बारे में। शेक्सपियर हर फील्ड में परफेक्ट थे। उन्होंने जिस फील्ड में स्टार्टिंग की है उसमें उन्होंने अपना बेस्ट दिया है। ही वाज ए इंग्लिश प्ले राइटर, पोइट, एक्टर, वर्ल्ड्स ग्रेट ड्रामाटिस्ट एंड प्रिंस ऑफ पोइट्स। उनको एलिजाबेथन एज का पोइट भी कहा जाता है। शेक्सपियर की जो एज थी वह एलिजाबेथन एज और रेनेसा एज थी। शेक्सपियर ने 37 प्लेस, 154 सोनेट्स और 2 नरेटिव पोएम्स लिखी हैं। शेक्सपियर के स्ट्रगल का टाइम है जो 585 से 1592 के बीच में। इनकी कंफर्म इन्फॉर्मेशन नहीं है कि इन्होंने इस बीच क्या किया था, इसलिए इसको लॉस्ट ईयर का नाम दिया गया है। शेक्सपियर ने जो अपना करियर है एक असिस्टेंट के रूप में स्टार्ट किया था एक थिएटर में, उसके बाद ये एक्टर बने और उसके बाद उन्होंने प्ले स्टार्ट कर दिए लिखने। ही बिगेन अ सक्सेसफुल करियर इन लंदन। 1594 में उन्होंने चैम्बर में इस नाम के थिएटर को ज्वाइन कर लिया था जो उसमें बहुत ही फेमस था, और 1603 में इसका नाम बदलकर द किंग्स मैन कर दिया गया था जेम्स फर्स्ट के द्वारा। जेम्स फर्स्ट से पहले क्वीन एलिजाबेथन थी। 1597 में उन्होंने खुद अपना थिएटर बनाया था ऑन द साउथ बैंक ऑफ द रिवर थेम्स के किनारे पे, जिसका नाम इन्होंने ग्लोब रखा था। इस ग्लोब में बहुत अधिक लोग आते थे और उन्होंने कभी भी लोगों को आने से मना नहीं किया। ही हैड सेवरल पार्टनर। शेक्सपियर का जो थिएटर था उसमें बहुत सारे उनके पार्टनर थे, फ्रेंड भी थे, और उनमें से साउथ पेंटन जो कि हेनरी रॉथस्ली बहुत फेमस थे, और उन्हीं के ऊपर उन्होंने मोस्टली जो उनके सोनेट्स हैं WH वे इन्हीं के नाम पर हैं। शेक्सपियर ने 154 सोनेट्स लिखे हैं जो 1609 में पब्लिश हुए थे, और इन्होंने ही आइम्बिक पेंटामीटर को स्टार्ट किया था। उसके बाद अब तक बहुत सारे जो पोइट हैं उनके इस आयम्बिक पेंटामीटर को फॉलो करते हैं। शेक्सपियर ड्रामा में तो फेमस थे ही, इसके अलावा उन पोइट्री में भी वे कमाल के रहे हैं। द फर्स्ट क्रिटिसम ऑफ हिज वर्क, सबसे पहले जो उन्हें क्रिटिसाइज किया था वह ग्रैनी ने क्रिटिसाइज किया था, क्योंकि शेक्सपियर के बारे में कहा जाता है कि वह किसी बड़ी यूनिवर्सिटी में नहीं गए,
इसलिए जो ग्रैनी थे उनसे ज्वेलसी फील करते थे कि वह ना तो किसी यूनिवर्सिटी बिट हैं, ना किसी अच्छे यूनिवर्सिटी में पढ़े हैं, और उनके जो ड्रामा हैं वह बड़े फेमस होते जा रहे हैं। ग्रैनी ने उन्हें अप स्टार्ट क्रो ब्यूटिफाइड विद द फेदर्स ऑफ द यूनिवर्सिटी बिट कह के बुलाया था कि जितने यूनिवर्सिटी बिट के जो पोइट हैं उतने फेमस नहीं है जितना ये कल का आया वो लड़का जिसको न तो यूनिवर्सिटी गया है न किसी को डिग्री है, वह इतना फेमस होता जा रहा है। शेक्सपियर के जो ड्रामा है उनको चार कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, कॉमेडी, ट्रेजेडी, रोमांस एंड हिस्टोरिकल प्लेस। कॉमेडी में क्या होता है, जो एंड होता है वो काफ़ी हैप्पी एंडिंग होती है, जबकि ट्रेजेडी में होता है जो मेन हीरो होता है उसकी डेथ हो जाती है। सबसे पहले हम बात करते हैं कॉमेडीज के बारे में। ऑल्स वेल दैट एंड्स वेल एज यू लाइक इट, द कॉमेडी ऑफ एरर्स, कैमलाइन, लवर्स लॉस्ट, मेजर्स फॉर मेजर, द मैरी वाइफ्स ऑफ विंडसर, द मर्चेंट ऑफ वेनिस, अ मिडसमर नाइट ड्रीम, मच अडो अबाउट नथिंग, पेरिकल्स, प्रिंस ऑफ टायर, टाइमिंग ऑफ द श्रीव, द टेम्पेस्ट, टॉलेस्ट एंड कैरिसिडा, ट्वेल्थ नाइट, टू जेंटलमैन ऑफ वेरेना एंड विंटर्स टेल। अब बात कर लेते हैं इनकी ट्रेजेडी के बारे में। शेक्सपियर के जो ट्रेजेडी है वर्ल्ड फेमस है। एंटोनी एंड क्लियोपेट्रा, कोरिनस, हेमलेट, जूलियस सीजर, किंग लियर, मैकबेथ, ओथेलो, रोमियो एंड जूलियट, टाइमन एंड एथेंस, टाइटस एंड एंड्रोनस। हिस्टोरिकल प्ले जिसमें हेनरी फोर पार्ट वन पार्ट टू, हेनरी फिफ्थ, उसके बाद हेनरी सिक्स पार्ट वन पार्ट टू एंड थर्ड, हेनरी एट, किंग जॉन, रिचार्ड सेकेंड एंड रिचार्ड थर्ड, इनकी हिस्टोरिकल प्ले हैं। अब इनकी पोइट्री देख लेते हैं, जिसमें वीनस एंड एडोनस, रेप ऑफ ल्यूरस, सोनेट्स ऑफ सैंडे, नोट्स ऑफ म्यूजिक, द पैसोनिक पिलग्रम, द फोनिक्स एंड द टर्टल, ए लवर कंप्लेंट, द सोनेट्स एंड द फनल लेजी बाय WS। शेक्सपियर का लॉन्गेस्ट प्ले हेमलेट है और सबसे शॉर्टेस्ट प्ले उनका ए मिडसमर नाइट ड्रीम है। शेक्सपियर का फर्स्ट प्ले हेनरी सिक्स एंड द लास्ट प्ले इज टेम्पेस्ट। प्ले हैं जो रोमन बैकग्राउंड के ऊपर लिखे गए हैं, इसलिए इनको रोमन प्ले कहते हैं, जिसमें एंटोनियन, क्लियोपेट्रा, जूलियस सीजर, कोलिनस एंड ड्रामाटिक रोमांस में इनकी लास्ट ट्रेजिक कॉमेडी है, जिसमें पेरिकल्स, कैम्बलाइन, द विंटर्स टेल एंड द टेम्पेस्ट मोस्ट फेमस ड्रामाटिक रोमांस हैं। और ग्रेट ट्रेजिडी जिसमें हेमलेट, ओथेलो, किंग लियर एंड मैकबेथ इनकी ग्रेट फोर ट्रेजिडी हैं। हिज फोर ग्रेट कॉमेडीज में इनकी मच एडो अबाउट नथिंग, ट्वेल्थ नाइट, द मर्चेंट ऑफ वेनिस एंड एज यू लाइक इट मोस्ट फेमस ग्रेट कॉमेडीज हैं। शेक्सपियर की बायोग्राफी से रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में शेक्सपियर से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाएंगे। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।